नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप जानने वाले हैं कि बिजली का बिल कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे जमा किया जाता है, जो कि दोस्तों आप अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी तरीके से बिजली का बिल चेक कर सकते हैं और उसको अपने मोबाइल से ही बहुत ही आसानी तरीके से जमा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने मोबाइल में ओपन कर लीजिएगा गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार में इंटर कर लेना है एम पावर डाल के आपको सर्च पे प्रेस कर देना है। तो आप सर्च पे जैसे प्रेस करेंगे तो आपको सबसे ऊपर वेबसाइट पर इंटर कर देना है, क्लिक कर देना है, जो कि लिखा होगा upcl.mpower.in। इस वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आपको प्रेस कर देना है। तो आप इस पर जैसे प्रेस करेंगे तो ये वेबसाइट हमारे सामने कुछ इस तरह का ओपन होके आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा होगा अकाउंट नंबर, यहाँ पर देखिए लिखा होगा अकाउंट नंबर और यहाँ पर लिखा होगा वेरिफिकेशन इमेज। तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर एंटर कर लेना है, जो कि दोस्तों आपको एक बिजली विभाग के माध्यम से एक पर्ची मिली होगी, उस पर्ची में आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिल कर लीजिए और यहाँ पर कैप्चा कोड को फिल कर लीजिए। तो दोस्तों अकाउंट नंबर और कैप्चा कोड को फिल करने के बाद में यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट, तो आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप सबमिट पे जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये पूरा बिल हमारे सामने शो होके आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका पूरा नाम यहाँ पर शो होके आ रहा है और यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर भी शो होके आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए नेट अमाउंट पेबल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पूरा आपका अमाउंट भी शो होके आ रहा है, जो कि दोस्तों हमारा जो है 2063 रुपया बिजली का बिल बकाया है, इतना जो है जमा करना है, तो यहाँ पर पूरा शो होके आ रहा है। और दोस्तों अगर आपको बिजली का बिल जमा भी करना है तो आप थोड़ा नीचे आ जाना, और नीचे आ जाने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा होगा पे नाउ, यहाँ पर तीन कंडीशन हमारे सामने शो होके आ रही है, जो कि इसको आप पूरा पढ़ जो कि आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। जो कि दोस्तों आप जो है आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो और नेट बैंकिंग हो, तो आप इस तीनों के माध्यम से जो है अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि बिजली का बिल कैसे देखा जाता है, कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे जमा किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि दोस्तों आपको ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।